तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी थ्री फेस BLDC हब मोटर की, पर आज जो मोटर हम लोग देखेंगे वो हमने व्हील से बाहर निकाल लिया है, मतलब कि डिसमेंटल कर लिया है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये जो ओकिनावा प्रेज प्रो की जो थ्री फेस BLDC मोटर है उसे हमने बाहर निकाला हुआ है। तो ये भी आपका इन व्हील मोटर है, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे तीन फेसेस इनके, इसको इनपुट देने के लिए जो थ्री फेस जो वायर्स है यहाँ पे आप देखोगे तीन, ये जो सिल्वर कलर के आपको दिख रहे हैं इन्हें हम लग्स कहते हैं। तो ये लग्स आपकी टर्मिनल्स पे कनेक्ट होते हैं, और ये जो आपका रेड कलर पे जो आपको पिन दिख रहा है वो इनके अंदर जो हॉल सेंसर्स है उसके ये फीडबैक्स ये हमें प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अंदर के जो भी वाइंडिंग्स है और जो परमानेंट मैग्नेट्स इस पे यूज हुए हैं वो भी हम लोग इसे ओपन करने के बाद देखेंगे। तो मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे ये थ्री फेस BLDC मोटर है ओकिनावा प्रेस प्रो की, इसे डिसमेंटल करने के बाद देखिए यही मोटर इसके अंदर लगी हुई है, जिसकी अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये है 1 kW की मोटर, और अगर पीक पावर की हम लोग बात करें तो वो है 1.8 kW। और इस मोटर पे हमें वारंटी जो मिलती है जो ओकिनावा की तरफ से वो है आपकी 3 years या फिर 30,000 kilometers के लिए। तो हमारे मॉड्यूल 3 ट्रैक्शन मोटर्स एंड मोटर कंट्रोलर यूनिट में आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर्स के बारे में भी हमने पढ़ाया है, जहाँ पे आपके हमने DC मोटर्स कवर किए, उसी के कैटेगरी में से एक है आपका थ्री फेस BLDC मोटर जो अभी आप लोग देख पा रहे हो जो कि डिसमेंटल्ड है। साथ ही हमने वहाँ पे AC मोटर्स के बारे में भी पढ़ा है, तो आने वाले और भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में जब हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे तो हो सकता है वहाँ पे आपको इंडक्शन मोटर्स AC मोटर्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले। साथ ही परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर्स के बारे में भी हमने वहाँ पे डिटेल पे कवर किया हुआ है, बट आज जिस मोटर के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले वो है आपका थ्री फेस BLDC मोटर। और हब मोटर के अलावा आपकी मिड ड्राइव मोटर्स भी यूज होती है, जहाँ पे आपके जो शाफ्ट है उसके लिए आपको गियर बॉक्स की भी ज़रूरत पड़ती है। बट अगर इस मोटर की बात करें जो कि आपकी हमने देखी ओकाया फास्ट F4 में भी देखा था, और जो ओकिनावा प्रेस प्रो है उसमें भी आपका थ्री फेस BLDC मोटर है, तो यहाँ पे आपको किसी गियर बॉक्स की ज़रूरत नहीं है। आपको टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए डायरेक्ट ये चक्के पे लगी होती है, तो ये चक्के को डायरेक्ट आपको टॉर्क प्रोवाइड करती है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका कोई शाफ्ट भी आपको नजर नहीं आएगा मोटर पे, बट यही अगर हम मिड ड्राइव मोटर को अगर खोलकर देखेंगे तो वहाँ पे आपको शाफ्ट और जो ट्रांसमिशन या फिर गियर बॉक्स जिसे हम कहते हैं वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस होता है आपका हब मोटर और एक मिड ड्राइव मोटर के बीच में।